दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल मीलिंग मशीन के बारे में। यह सभी प्रकार की मीलिंग मशीन में सबसे ज़्यादा वर्साटाइल है और लेथ मशीन के बाद यह सबसे उपयोगी मशीन टूल है, जिस पर हम बहुत से मशीनिंग ऑपरेशन को बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके प्रयोग से बहुत से मशीन टूल जैसे सेपर, प्लेनर, स्लोटर इत्यादि का इस्तेमाल कम हो गया है। अब बात करते हैं कि जो यूनिवर्सल मीलिंग मशीन है इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। जो मेन कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो इस प्रकार से हैं। अगर हम देखें यहाँ पर दो तरह की यूनिवर्सल मीलिंग मशीन हमारे सामने हैं। ये हॉरिजॉन्टल मीलिंग मशीन है, यूनिवर्सल हॉरिजॉन्टल मीलिंग मशीन, और ये वर्टिकल यूनिवर्सल मीलिंग मशीन हमारे सामने है। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें, बेस दोनों में कॉमन होता है और बेस मीलिंग मशीन का एक प्रकार से फाउंडेशन पार्ट होता है, जिसके ऊपर मीलिंग मशीन के सभी पार्ट माउंटेड होते हैं। और कह सकते हैं कि बेस पूरी मशीन का जो एंटायर लोड है उसको कैरी करता है, और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और साथ में शॉक और वाइब्रेशन को भी यह एब्जॉर्व कर सके। इसलिए इसको कास्ट आयरन से बनाया जाता है, क्योंकि कास्ट आयरन की डैम्पिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है। एक प्रकार से जो बेस है वह कटिंग फ्लूड के लिए रेजरवायर का भी कार्य करता है। उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है वो कॉलम, यह दोनों मशीनों में लगा होता है कॉलम। कॉलम बेस के साइड में एक वर्टिकल माउंटेड होता है, और मीलिंग मशीन का जो मेन सपोर्टिंग फ्रेम होता है, कॉलम एक प्रकार से होलो मेंबर होता है, जिसके अंदर मीलिंग मशीन का ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है, जिसमें ड्राइविंग गियर इत्यादि होते हैं। और कॉलम मीलिंग मशीन के दूसरे पार्ट जैसे नी, वर्क टेबल को भी यह सपोर्ट करता है और गाइड करता है वर्टिकली। जो इसमें कॉलम पर यहाँ गाइडवेज बने हैं, यहाँ पर नी और जो टेबल हैं अगर हम देखें वो भी इसमें स्लाइड करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है नी। अगर हम देखें दोनों मशीनों में नी होता है, तो एक प्रकार से नी है जो वाई एक्सिस एक प्रकार से हम कहेंगे यहाँ पर, यह मीलिंग मशीन का पहला मूविंग पार्ट है। अगर यह कॉलम पर माउंटेड है तो उसके अलोंग यहाँ पर जो साइडवेज हैं उन पर यह स्लाइड करता है, क्योंकि ये जो कॉलम है कॉलम पर ये जो साइड वेज हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर जो नी है वो स्लाइड कर सकता है अप एंड डाउन। और ये जो नी है इसके नीचे अगर हम देखें यहाँ पर, ये एक प्रकार से एलिवेटिंग स्क्रू लगा होता है, और नी को इस एलिवेटिंग स्क्रू की मदद से सपोर्ट किया जाता है। एलिवेटिंग स्क्रू के द्वारा नी की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। नी टेबल फीड मैकेनिज्म को भी कैरी करता है, और नी को हम मैकेनिकली या फिर हाइड्रोलिकली इसको ड्राइव कर सकते हैं। और जो नी है यह भी कास्ट आयरन का बना होता है। उसके बाद है सैडल। सैडल दोनों मशीनों में अगर आप देखें कॉमन पार्ट लगा हुआ है। सैडल एक प्रकार से जेड एक्सिस होता है हमारा, मीलिंग मशीन का एक इंटरमीडिएट पार्ट होता है जो टेबल और नी के बीच में लगा होता है। और जो सैडल है यह नी के टॉप साइड पर बना जो गाइडवेज है, ये देखें आप जो गाइडवेज हमें नज़र आ रहे हैं, तो इन गाइडवेज पर जो स्लाइड करता है वो सैडल यहाँ पर स्लाइड करता है, हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है यहाँ पर। और नी के जो टॉप साइड पर गाइडवेज बने होते हैं वो इस कॉलम फेस के परपेंडिकुलर होते हैं, और सैडल का मुख्य कार्य होता है वर्क पीस को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन को प्रोवाइड करना, एग्जैक्ट मोमेंट को प्रोवाइड करने के लिए सैडल पर ग्रेजुएशन बने होते हैं। और सैडल को हम मैन्युअली या फिर पावर के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं, और सैडल भी कास्ट आयरन का बना होता है। अब जो यूनिवर्सल मीलिंग मशीन है, ये जो हॉरिजॉन्टल मीलिंग मशीन या जो वर्टिकल मीलिंग मशीन होती है उनसे अलग किस प्रकार से होती है, क्योंकि यहाँ पर एक कंपोनेंट होता है जो हॉरिजॉन्टल मीलिंग मशीन और वर्टिकल मीलिंग मशीन में नहीं होता। सैडल और टेबल के बीच में यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो सर्कुलर पार्ट है जिसे हम स्वीवल बोलते हैं, ये इसमें लगा होता है। दोनों केसेस में जो स्वीवल है वो लगा होता है, क्योंकि इसका जो स्वीवल है यहाँ पर हमें क्या है कि एक प्रकार से यह सैडल के ऊपर होता है और टेबल से नीचे होता है। और सैडल पर जो यहाँ पर सर्कुलर गाइडवेज प्रोवाइड किया जाता है,
और इसके लिए सैडल पर हम देखें यहाँ पर डेटम मार्क के साथ एक ग्रेजुएटेड जो सर्कुलर बेस है वो टेबल के बिल्कुल नीचे लगा होता है। और यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में इसी स्पेशल फैसिलिटी होने के कारण टेबल पर जो वर्कपीस या जॉब है उसको हम एंगल पर सेट कर सकते हैं मिलिंग कटर के रिस्पेक्ट में, जिससे वर्कपीस के ऊपर हम हेलिकल फ्लूट, स्पाइरल फ्लूट या ग्रूव्स आदि को बड़ी आसानी से बना सकते हैं मिलिंग के द्वारा। और जो टेबल है इसको हम अगर हम देखें, इसमें जो पहली वर्टिकल मोशन होती है, जो टेबल है इसमें वर्टिकल मोशन होती है जब हम नी को अप एंड डाउन करते हैं, और जो दूसरी हॉरिजॉन्टल मोशन होती है टेबल की वह फीड स्क्रू के द्वारा होती है, और तीसरा जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है वो सैडल के द्वारा होता है, और एक प्रकार से जो हम इसमें एंगल पर सेट करते हैं वो स्विवल की मदद से इसको यहाँ पर सेट किया जाता है। उसके बाद इसमें जो कंपोनेंट अगर हम बात करें, स्पिंडल होता है, स्पिंडल दोनों मशीनों में लगा होता है। स्पिंडल मिलिंग मशीन का मेन पार्ट होता है जो मिलिंग कटर को प्रॉपरली होल्ड करते हैं। अगर वर्टिकल मिलिंग मशीन है तो उस केस में हम मिलिंग हेड का इस्तेमाल करते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है यूनिवर्सल तो उस केस में ओवरहैंगिंग आर्म पर जो अरबर लगा होता है उसकी मदद से हम जो मिलिंग कटर है उसको होल्ड किया जाता है। जो स्पिंडल मोटर से पावर को रिसीव करता है और बेल्ट गियर और क्लच के माध्यम से इसको अलग अलग स्पीड पर रोटेट किया जा सकता है स्टेप कोन पुली ड्राइव के द्वारा या फिर गियर अरेंजमेंट के द्वारा। तो जैसा कि हमने बात की थी कि मिलिंग मशीन जो वर्टिकल होती है यूनिवर्सल, उसमें ये मिलिंग हेड होता है, यह एक प्रकार से अपर सेक्शन होता है जिसे हम स्पिंडल ड्राइविंग मोटर और दूसरे कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इसमें होते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है यहाँ पर देखें अरबर स्पोर्ट लगा है, ओवरहैंगिंग आर्म इसमें अगर देखें इसमें लगी होती है जो कास्ट आयरन से बनी होती है, और जो ओवरहैंगिंग आर्म है ये कॉलम के टॉप साइड पर लगी होती है, टॉप कॉलम सरफेस से ओवरहैंग करती है, और इसके दूसरे एंड पर जो अरबर स्पोर्ट यहाँ पर अटैच होता है, क्योंकि अरबर स्पोर्ट का प्रयोग अरबर को राइट प्लेस पर स्पोर्ट करने के लिए किया जाता है। अरबर स्पोर्ट का एक एंड ओवरहैंगिंग आर्म के साथ अटैच होता है जबकि जो दूसरा एंड अगर हम देखें अरबर के साथ अटैच होता है। अगर बात करें वर्किंग की, मिलिंग मशीन जैसा हमने बात की एक प्रकार से वर्साटाइल मशीन है जिसका प्रयोग रोटेटिंग मिलिंग कटर की मदद से वर्कपीस से मेटल कटिंग के द्वारा अलग अलग शेप बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले अरबर पर कटर को सेट किया जाता है जो अरबर स्पिंडल के साथ कनेक्टेड होता है, नी को डाउनवर्ड मूव किया जाता है, क्लैंपिंग स्क्रू का प्रयोग करके वर्कपीस को टेबल के ऊपर क्लैंप किया जाता है, सभी कंट्रोलिंग पॉइंट्स को जीरो पर सेट किया जाता है जैसे नी पोजीशन, सैडल पोजीशन इत्यादि। इसके बाद स्पिंडल जो यहाँ पर होता है उसको रोटेट किया जाता है, स्पिंडल के रोटेट होने से जो मिलिंग कटर हमारा अरबर में लगा होता है वो रोटेट करता है, जैसे ही मिलिंग कटर ने रोटेट करना शुरू किया वैसे ही वर्कपीस को मूव किया जाता है रिक्वायर्ड हाइट पर नी, सैडल और टेबल को मूव करके, कंट्रोलिंग एक्सिस वर्कपीस को मूव करके, जिससे वर्कपीस में हम डिज़ायर शेप मिलिंग कटर के द्वारा कट कर सकते हैं, और मिलिंग कटर स्टेशनरी रहेगा, सिर्फ रोटरी मोशन उसके अंदर होगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल मिलिंग मशीन की जो एप्लीकेशन क्या क्या रहती हैं, इसमें हम जो स्पर गियर हैं वो बना सकते हैं, स्पाइरल बेवल गियर, ट्विस्ट ड्रिल, रीमर्स, मिलिंग कटर इत्यादि इसमें बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी कन्वेंशनल मिलिंग ऑपरेशन हैं वो हम यूनिवर्सल मिलिंग मशीन पर बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है, सिर्फ एक ही बात हमें याद रखनी है कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन या जो वर्टिकल मिलिंग मशीन होती है उनके कंपैरिजन में सिर्फ एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी होती है स्वीवल की, जिसकी मदद से हम एंगल पर वर्कपीस या जॉब को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ डिस्कस किया यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।